हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो में आप देख रहे हैं मेरा मंदिर, जो मैंने आपको बताया था कल वाले वीडियो में कि मैंने एक मंदिर लिया है। तो ये है वो मंदिर जो मुझे बहुत पसंद आया था। ये मंदिर मैंने शाबेरी मार्केट से लिया है, और जो शॉप है जहाँ से लिया है मैंने लास्ट वाले वीडियो में, वीडियो के अंदर ही मैंने बताया हुआ है कि कौन सी शॉप है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं उसको। आपको वीडियो पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं अभी, ये मेरा पूजा वाला ही कपड़ा है जिससे ये मंदिर में जितनी भी धूल है उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब वो पत्थर को काटते हैं तो उसमें से बहुत धूल निकलती है जो इस मंदिर के कोनों में हर जगह लगी होती है, तो उसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो फिर पहले तो मैंने धूल को सूखे कपड़े से साफ़ किया। अब ये गीला स्पंज है, बिल्कुल साफ़ स्पंज है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम निकाला है। और तो डिश लिक्विड के पानी में मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने उन्हीं से ही पूछा था जिनसे मैंने मंदिर लिया कि इसको मैं कैसे साफ़ करूँ, तो उन्होंने बोला था हर 15 दिन में आप चाहे तो डिटर्जेंट के पानी से, शैम्पू के पानी से, या फिर डिश लिक्विड के पानी से आप इसे साफ़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे, क्योंकि यहाँ पर भगवान जी को विराजमान करवाना है, तो इसलिए मेरे को तो अभी अच्छे से फ़र्स्ट टाइम में इसे साफ़ करना ही है। और ऐसे काम जब करते हैं ना, डेली रूटीन से हटकर, घर को सजाना हो या फिर मंदिर की सफाई हो, बहुत मन लगता है। ये एक ऐसी थेरेपी का काम करते हैं ये चीज़ें, जिससे मन बहुत संतुष्ट होता है और बहुत शांति मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर वगैरह जो होते हैं उनको साफ़ करना। तो अभी मैंने डिश सोप वाला जो पानी था उससे साफ़ कर दिया मंदिर। अब एक बार फिर से साफ़ पानी से भी अब मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और मन इतना खुश था ना इस मंदिर को देखकर, क्योंकि जब मैं गई थी शॉप में लेने के लिए, तो सबसे पहले मेरी नज़र इसी मंदिर पर पड़ी थी, और ये मुझे इतना भाग गया था कि फिर मुझे और कोई मंदिर पसंद ही नहीं आया। और भी देखे थे, और भी डिज़ाइन वाले थे, बड़े थे, छोटे थे, लेकिन ये इतना अच्छा लग रहा था। और मुझे मेरे रूम के हिसाब से, जितना मेरे रूम में स्पेस है उसके हिसाब से बिल्कुल सूटेबल था ये। और जैसे होता है ना, किसी चीज़ को देख लो एक ही बारी में, किसी चीज़ को देख कर प्यार हो जाता है, तो मुझे इस मंदिर से हो गया था। और जैसे ही मैंने इसको गीले स्पंज से साफ़ किया, और एकदम से इसमें बहुत ही अच्छी सी जो चमक आ गई थी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था साफ़ होने के बाद, तो ये मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत तो ये पहले से ही है। तो बस अभी तो ये नीचे रखा हुआ था, इसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने मिलकर इसको चौकी पर रखा। बहुत वेट था इसमें, और फिर जब ये सूख गया मंदिर, क्योंकि गीला था ये, थोड़ी देर मैंने इसको सुखाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो फिर मैंने आसन यहाँ पर बिछाया, रेड कलर का मैं ये नया आसन लेके आई हूँ इसी साइज़ का। और फिर मैंने मंदिर को जैसे डेकोरेट किया, आप वो थोड़ी देर में देखिएगा। तो अभी क्योंकि मंदिर आया है तो मीठा तो बनना ज़रूरी है ही, तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मैं सूजी का हलवा किस तरीके से बनाती हूँ। जितनी सूजी लेते हैं उसका डबल हम पानी लेते हैं, और जैसे एक कटोरी अगर सूजी है तो 2 कटोरी पानी होगा और 1 कटोरी चीनी होगी। उधर मैंने बॉईल करना पानी रख दिया है, और साइड में फिर सूजी को भून के फिर मैं हलवा बना दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, पूजा मैंने कर ली है, और मेरा मंदिर कुछ जब सजाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने सरस्वती माँ की भी यहाँ पर मूर्ति, यहाँ पर फ़ोटो रख ली है, क्योंकि मेरे पास एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, व्यूअर फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे बोला था सरस्वती माँ की फ़ोटो भी रख लेना, क्योंकि आपकी बेटी पढ़ती है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं भी कई दिनों से सोच ही रही थी, लेकिन मेरे मंदिर में स्पेस पहले कम था तो अब मैंने रख लिया है। तो कभी कभी बहुत ही अच्छी अच्छी एडवाइस जब दूसरों से मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक तरीके से कुछ लोग बहुत ही अजीब तरीके से कमेंट करते हैं तो वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, दिल को एकदम से दुखा देते हैं। अभी भी मैं जानती हूँ कि इसमें भी कई सारी कमियाँ निकलेंगी और बहुत नेगेटिव तरीके से लोग बोलेंगे, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूँ, हर किसी की लाइफ में जीने का हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। तो लाइटिंग्स वगैरह लगाने के बाद मेरा मंदिर कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी एक कमी इसमें यह है कि मुझे अभी इसके लिए जो पर्दा है वो नहीं मिला है, तो वो अभी मुझे लेना है, नहीं तो मुझे बनवाना पड़ेगा। तो बस ये काम मुझे अभी एक और करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा मंदिर। और फिर सबसे लास्ट में आता है प्रसाद को बांटने का काम। और तो ये मेरे पड़ोस में जो हैं उनके लिए मैंने ये प्रसाद निकाला है, उनको मैं जाकर दे के आऊँगी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, तो बस यही ऐसे प्यार बढ़ता है अपनी छोटी छोटी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने से। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा मंदिर कैसा लगा ये भी बताना बिल्कुल मत भूलना। बस फिर मिलूंगी आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।